अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोड इग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 35 में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोड इग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरी बिल्डर क्लास के बारे में सीखेंगे कि जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपकी कंप्लीट वेब ऐप जो आप कोड इग्नाइटर 4 में डिवेलप करेंगे वो बेस करती है आपकी इस क्यूरी बिल्डिंग टेक्निक्स पर। अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में सही से इंफॉर्मेशन होगी तो देन आप अपनी वेब ऐप में प्रॉपरली क्यूरीज को क्रिएट कर सकेंगे, जॉइंस क्रिएट कर सकेंगे, रिकॉर्ड को सर्च कर सकेंगे, प्रॉपरली रिकॉर्ड को पेजिनेट कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोड इग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों कोड इग्नाइटर 4 के अंदर ये जो क्यूरी बिल्डर क्लास है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इसकी मदद से आप ना सिर्फ डाटा को प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हैं बल्कि स्पेसिफिक डाटा भी या सिमिलर डाटा भी रिज़ल्ट को या ऑर्डर कर सकते हैं रिज़ल्ट को, या लिमिट कर सकते हैं, या काउंट कर सकते हैं, या क्यूरीज को ग्रुप कर सकते हैं, आपस में इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये सारे काम करने के साथ साथ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है वो है मेथड चेनिंग। आप मुख्तलिफ मेथड्स को आपस में चेन करके एक यूनिक रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यूज़र के जो टेबल में 100+ रिकॉर्ड्स हैं, मैं उन तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करना चाह रहा हूँ। तो मॉडल के साथ हमें जो क्यूरी बिल्डर क्लास है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है फाइंड ऑल विद द हेल्प ऑफ फाइंड एंड फाइंड ऑल। आप फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं और फाइंड ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंस है लेकिन इनका ऑलमोस्ट पर्पज़ जो है वो सेम या रिकॉर्ड को फेच करना। फाइंड और फाइंड ऑल में डिफरेंस इसलिए है कि फाइंड की मदद से हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, उसको आईडी पास करके हम जो है वो या जो भी हमने प्राइमरी की सेट की हुई है मॉडल के अंदर उसके ज़रिए रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। जबकि फाइंड ऑल जो है ये हमें तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है रिटर्न करता है अगर हम इसको बगैर मेथड चेन के यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो यहाँ पर मैं ये सारा जो रिकॉर्ड है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ऊपर यूज़र मॉडल जो है इंपोर्ट हो रहा है न्यू यूज़र मॉडल। मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आए प्रॉपरली। अब मैं यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड को फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र मॉडल फाइंड ऑल और इसके बाद मैं वार डंप लिखूँगा यूज़र्स। तो मैंने इसके नीचे जो है वो एग्जिट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई कोड नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डेवलपर टूल बार है ये आपको नज़र आए ताकि आपको एक्चुअली पता हो कि बिहाइंड द सीन हुआ क्या है। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पेज को रीलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारा का सारा रिजल्ट आ गया, 100+ जो रिकॉर्ड हैं वो आ गए हैं। अब इसके फाइंड ऑल ने कौन सी क्यूरी रन की है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेवलपर टूल बार जिसको इंस्टॉल किया हुआ था और मैंने आपको ये बताया भी है किस तरीके से इंस्टॉल करना है और ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, लाइव सर्वर पर आप इसको किसी भी सूरत में मत रखिएगा। सो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र, तो ये वो क्यूरी है जो रन हुई है बाय क्रिएटिंग दिस मैथड। तो इसके अगेंस्ट कौन सी क्यूरी रन हुई है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र्स। सो यूज़र्स के टेबल से तमाम रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब सपोज़ कीजिए मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड को फाइंड करना चाह रहा हूँ जिसकी आईडी 1 है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र मॉडल फाइंड 1। अब ये 1 जो है ये आईडी है बेसिकली, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राइमरी कॉलम है आपका जो आपने मॉडल के अंदर सेट किया हुआ है प्राइमरी की वही आईडी यहाँ पर आप देंगे। इसको सेव किया और वार्ड डंप बम्प किया मैंने यूज़र को, इस पेज को रीलोड किया तो देखिए इसने हमें एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न किया। तो फाइंड ने हमें सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न किया, फाइंड ऑल ने हमें तमाम रिकॉर्ड रिटर्न किया और इसके अगेंस्ट जो क्यूरी रन हुई वो ये है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
सो इसने कहा कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर्स डॉट आई डी इज इक्वल टू 1, दैट्स ग्रेट। तो ये है हमारे पास फाइंड और फाइंड ऑल। अगर आपको आप इनको बगैर मेथड चेनिंग के इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज़ द वे दे वर्क। फाइंड ऑल विल रिटर्न यू ऑल द रिकॉर्ड एंड फाइंड बाय प्रोवाइडिंग द प्राइमरी की वो आपको रिटर्न करेगा एक सिंगल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब इसमें एक मेथड चेन है एज ऑब्जेक्ट एंड एज एरे। सो बाय डिफॉल्ट हमने मॉडल में सेट किया हुआ है कि ये हमें एज एरे रिटर्न करेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो रिकॉर्ड हमें रिजल्ट हो रिटर्न हो वो एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न हो तो मुझे क्या करना होगा। इसके लिए सिंपली मैं पहले इस क्यूरी को अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर यूजर्स लिख देता हूँ। तो इस फाइंड ऑल से पहले हम मेथड चेनिंग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखेंगे एज ऑब्जेक्ट और ये एक मेथड है। इसको सेव किया तो गौर कीजिएगा यहाँ पर एरे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एरे लिखा हुआ है। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखें हमें जो रिकॉर्ड रिजल्ट हो रिटर्न हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में रिटर्न हो रहा है। ये देखिए ऑब्जेक्ट एसटीडी क्लास। दिस मीन फाइंड ऑल मेथड ने हमें तमाम रिकॉर्ड रिटर्न किए हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे और ईच रिकॉर्ड जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट अब हमें रिटर्न हो रहा है। सो ये समटाइम हम यूज़ करते हैं एज एन एरे। अगर आप एज एन एरे रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं तो फिर आप इसको स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे किसी सिंगल आईडी को डिस्प्ले करने के लिए, और अगर आपने उसको एज एन ऑब्जेक्ट फेच किया सो देन आप ऑब्जेक्ट नोटेशन यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली नोटेशन यूज़ किया, ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे उस की के अगेंस्ट। तो ये है डिफरेंस। इसी तरीके से यही वाली की मैं अगर ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करता हूँ बिहाइंड द सीन क्यूरी यही रन होगी। ओके ये ध्यान में रखिएगा। इसको अनकमेंट किया और यहाँ पर मैं यूज़र लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एज ऑब्जेक्ट फाइंड वन। ओके अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हमें सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा, सेम क्यूरी रन होगी। सो यहाँ पर उसने कहा एज ऑब्जेक्ट फाइंड वन, यहाँ पर क्या हुआ फाइंड ऑन नल। ओ सॉरी माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पर फंक्शन नहीं प्रोवाइड किया। सो यह फंक्शन है बेसिकली, तो इस वजह से उसने ये फाइंड को नल दे दिया ऑन नल। तो अब हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने सिंपल अगर एको करना है ईमेल को तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिखेंगे यूज़र ईमेल, ये होता है ऑब्जेक्ट नोटेशन। इस तरीके से हम यूज़र ईमेल लिखेंगे तो हमें क्या वो डिस्प्ले करेगा ईमेल। तो यहाँ पर मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर उसने ऊपर हमें ईमेल रिटर्न कर दिया जो कि इस यूज़र आईडी 1 का ईमेल है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड 5 कर देता हूँ रेंडमली और इसको रीलोड करता हूँ तो अब जो 5 आईडी वाला यूज़र होगा उसका ईमेल और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। सो ये एडन ब्राउन है और इनका जो रिकॉर्ड है इसका जो रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है वो हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हुआ है और हमने उसको एक्सेस इस तरीके से किया है। हम यहाँ पर एज एरे अगर लिख के करेंगे तो फिर हम इसको अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये फिर इसकी नोटेशन है। तो इस तरीके से हम इसको आउटपुट के लिए लिखेंगे व्यू के अंदर। बेसिकली हम मैं सिर्फ आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको जो रिज़ल्ट है वो क्विकली शो हो जाए इसलिए मैं सारा काम मॉडल्स के अंदर ही कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोलर के अंदर ही कर रहा हूँ, लेकिन आपने सारा काम करना है व्यूज़ के अंदर। सो ये अब देखिए सेम आउटपुट आई, लेकिन इस दफ़ा हमने एज एरे किया जो कि एक हमें डिफ़ॉल्ट मेथड रिटर्न करता है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर सिंपल फाइंड लिख दिया, अब मैंने एज एरे नहीं लिखा लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें एज एरे ही रिटर्न करेगा। तो ये है हमारे पास फाइंड और फाइंड ऑल के दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं और ये थ्रू आउट द क्यूरी बिल्डर क्लास इन्हीं को हम यूज़ करते हैं टू फेच डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। वो हम टाइम टू टाइम इसी वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो होपफुली आपको फाइंड और फाइंड ऑल में फ़र्क भी पता चल गया होगा, इनका यूज़ भी समझ लग गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है फर्स्ट और उसके बाद है लास्ट। अब फर्स्ट और लास्ट क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। अगर हमने कुछ रिकॉर्ड रिटर्न किए हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लास्ट का मेथड यूज़ करते हैं, और अगर हमने पहला रिकॉर्ड
शो करना है तो हम पहला रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर यूज़र्स। अब फाइंड ऑल यूज़र हमें तमाम रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न हो। तो अब हम फाइंड ऑल के साथ तो फर्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट मेथड है ये बिल्डर क्यूरी बिल्डर क्लास का फंक्शन है, एरे का फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा कि कॉल टू अ मेंबर फंक्शन फर्स्ट ऑन एरे। इस फंक्शन को आप एरे पर नहीं रिटर्न कर सकते, बल्कि आप इसको रिटर्न करेंगे, रन करेंगे ऑन क्यूरी बिल्डर क्लास, ऑन क्यूरी बिल्डर, ऑन योर क्यूरी बिल्डर। तो कैसे हम करेंगे इसके लिए, एक तरीका तो है गेट, सेव किया, रन किया, तो अब उसने मैं कहा कॉल टू अनडिफाइंड मेथड कोऑर्डिनेटर MySQL रिजल्ट फर्स्ट, तो इस गेट ने भी हमें रिजल्ट रिटर्न किया। तो अब हम कैसे फर्स्ट रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके साथ वेयर क्लॉज को। वेयर क्लॉज के साथ हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर हम उसके अंदर कोई भी कम्बिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लिखेंगे वेयर, सपोज मैं लिखता हूँ, वेयर क्लॉज को यूज़ करने का तरीका ये होता है, इसमें दो पैरामीटर हम प्रोवाइड करते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो कॉलम नेम विद करस्पॉन्डिंग जो भी आप उसके इक्वलिटी रन करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आईडी इज़ ग्रेटर देन वन, तो मैंने कहा कि यूज़र मॉडल से वो तमाम रिकॉर्ड फाइंड करो जिनकी आईडी ग्रेटर देन वन है, लेकिन उनमें से सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करो। मैं इसको सेव करता हूँ, तो हम इसको फर्स्ट और लास्ट दोनों को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। तो मैं इसको रीलोड करूँगा, तो अब हमें टू वाली आईडी का जो रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न होगा। देख सकते हैं आप, टू वाली आईडी का रिकॉर्ड रिटर्न हुआ, और जो हमारी क्यूरी क्रिएट हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्यूरी इसके अगेंस्ट कौन सी क्रिएट हुई है, क्योंकि अभी जो हमारे पास वो लोड नहीं हुआ। तो देखिए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज ग्रेटर देन वन बट लिमिट वन। तो हमने कहा कि भाई उसको रिकॉर्ड को फाइंड कर दो, लेकिन लिमिट कर दो वन को। सो फाइंड मेथड के बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और इसको इस तरीके से हम फर्स्ट के साथ वेयर क्लास के साथ यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लास्ट है, मतलब नेक्स्ट मेथड ही लास्ट मेथड है। सो लास्ट मेथड अपोजिट करता है, जो हमारे पास लास्ट आईडी होगी वो रिटर्न करेगा। मैं रीलोड करता हूँ, तो सेम क्यूरी होगी, लेकिन इस दफ़ा वो हमें रिटर्न करेगा लास्ट रिकॉर्ड को। तो वो कह रहा है कि जी बैड मेथड एक्सेप्शन कॉल टू अनडिफाइंड मेथड, क्यों कह रहा है यहाँ पर इसके साथ हमारे पास लास्ट का मेथड मौजूद है। यहाँ पर मैं इसको मॉडल के अंदर और लास्ट ओके तो आई थिंक इसके अंदर नहीं था लास्ट, वो इसके अंदर हमें यहाँ पर अगर लास्ट का रिकॉर्ड लेना था तो हम करते थे इसको ऑर्डर बाय आईडी और डिसेंडिंग, फिर हम फर्स्ट करते थे कि हम रिकॉर्ड को पहले ऑर्डर करते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद फर्स्ट मेथड को। आई थिंक लास्ट मेथड इसमें नहीं था, वो लास्ट मेथड किसी दूसरे में था, तो मैं उसको मिक्सअप कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो अब हमारे पास देखिए आईडी 1 और 2 रिटर्न हुई है। सो इस तरीके से हम कम्बिनेशन ऑफ क्यूरीज को इस्तेमाल करके वेयर क्लॉज के साथ और ऑर्डर बाय, फिर इसी तरीके से हमारे पास बेशुमार जो रिकॉर्ड है इंसर्ट अपडेट डिलीट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो गेट का मेथड भी है। सो जो गेट का मेथड है वो नॉर्मली हम बिल्डर के साथ यूज़ करते हैं, क्यूरी बिल्डर क्लास जो कि मॉडल की क्यूरी बिल्डर क्लास है, क्योंकि मॉडल को भी हम क्यूरी बिल्डर क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं, और डेटाबेस कनेक्शन को भी हम क्यूरी बिल्डर क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो है वो मॉडल के साथ इस्तेमाल करते हुए वेयर क्लास, फर्स्ट और फाइंड वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने सीखा फाइंड वाले के बारे में और फाइंड ऑल के बारे में।
तो ये है हमारे पास फाइंड ऑल और ये है हमारे पास फाइंड का मेथड। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो जो तमाम के तमाम कॉलम्स हमें रिटर्न कर रहा है, जितने भी कॉलम्स हैं जिसमें पासवर्ड की फील्ड भी शामिल है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड एट। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको कस्टमाइज कर सकें इस तरीके से कि सिर्फ हमें वो शो करे आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और क्रिएटेड एट, पासवर्ड ना शो करे, अपडेटेड एट ना शो करे और डिलीटेड एट ना शो करे रिजल्ट में। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, वो है सिलेक्ट का। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट, इसको हम अब चेन कर सकते हैं फाइंड के साथ भी और फाइंड ऑल के साथ भी, और यहाँ पर आप एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे जो जो कॉलम आपको चाहिए। सो आईडी कॉमा, यूज़र नेम कॉमा, ईमेल कॉमा, क्रिएटेड एट। तो ये मैंने इसको कहा कि ये चार कॉलम सिर्फ हमें रिटर्न करने हैं आपने। सो अब जब हमें इस रिकॉर्ड को रिफ्रेश करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो भी रिकॉर्ड रिटर्न करेगा उसके अंदर चारों कॉलम्स होंगे, बाकी कॉलम्स नहीं होंगे। ये देख सकते हैं आप कि एरे की सूरत में हमें रिटर्न हो रहा है, और जो क्यूरी इसके अगेंस्ट रन होगी वो होगी सिलेक्ट, एस्टेरिक नहीं होगी बल्कि सिलेक्ट आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट। ये देख सकते हैं आप ये वाली क्यूरी जो इसने एग्जीक्यूट की है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये। सो इसने कहा सिलेक्ट आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट फ्रॉम यूज़र्स। तो इस तरीके से हम फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्यूरीज को और सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स को रिकॉर्ड में से, डेटाबेस में से फेच करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अब चूंकि ये फाइंड ऑल जो है रिटर्न करता है एरेज ऑफ रिजल्ट्स को, तो हम इसको लूप के थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू इटरेट करते हैं, जबकि फाइंड हमें एक सिंगल इंस्टेंस रिटर्न करता है, तो उसको हम सिंपली एज इट इज़ डिस्प्ले कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि सॉरी एरे नोटेशन स्क्वेयर ब्रैकेट्स बाई डिफ़ॉल्ट। अगर आप एज ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर आप ऑब्जेक्ट नोटेशन जो के माइनस साइन और ग्रेटर देन का साइन है उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करके रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि वेयर क्लॉज के ज़रिए हम किसी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो सपोज़ कीजिए हम मल्टीपल कॉलम्स की बेस पर रिकॉर्ड को फेच करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और क्रिएटेड एट के अलावा हमारे पास एक कॉलम है एक्टिव का, सपोज़ कीजिए कॉलम है कि वो यूज़र एक्टिव है या नहीं है। तो उस सूरत में हमें कौन सी क्यूरी लिखनी चाहिए? तो उसकी क्यूरी जो बनेगी वो यही बनेगी, फाइंड करेंगे हम, बल्कि उसकी जगह फाइंड ही यूज़ करेंगे हम, वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा आईडी इक्वल टू कॉमा वन, और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा अगेन मैं वेयर, सपोज मैं कहता हूँ ईमेल इज इक्वल टू एडमन एट एडमन डॉट कॉम। सो अब हमारी क्यूरी क्या बनी? सिलेक्ट आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट फ्रॉम यूज़र, वेयर आईडी इज इक्वल टू वन एंड ईमेल इज इक्वल टू एडमन एट एडमन डॉट कॉम, और उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड मैथड। सो ये क्या करेगा कि ये हमें एरेज ऑफ रिटर्न करेगा एरे ऑफ रिजल्ट्स को। तो मैं कहता हूँ मुझे एक ही रिकॉर्ड इसमें, क्योंकि इस कोड के अगेंस्ट आई नो कि एक ही रिकॉर्ड होगा, तो मैं इसको सिर्फ फर्स्ट कह देता हूँ ताकि हमें एरे नोटेशन ना वो दे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड रिटर्न करे सिंगल इंस्टेंस, बल्कि वो अगर मैं फर्स्ट की बजाय फाइंड लिखता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या है। फर्स्ट में लिमिट लग जाती है, फाइंड में लिमिट नहीं लगती। सो लिमिट यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो रिकॉर्ड एक ही आएगा लेकिन वो एरे की सूरत में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एरेज ऑफ एरेज। तो ये जो ज़ीरो है, ये यहाँ पर जो ज़ीरो आ रहा है, इस ज़ीरो को मुझे ख़त्म करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंसर्निंग है इस रिकॉर्ड के साथ। तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट, फाइंड नहीं यूज़ करूँगा। अगर मुझे पता है कि जो रिकॉर्ड रिजल्ट रिटर्न हो रहा है वो एक ही रिकॉर्ड है, आई नो दैट, इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट यूज़ करूँगा। आप एज अ डिवेलपर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या रिटर्न करना है और आपको क्या रिटर्न पॉसिबिलिटी होगी। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये लिमिट वन के साथ एक रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा और ये ज़ीरो जो है अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि सपोज़ मैं रिकॉर्ड को फाइंड करता हूँ तमाम यूज़र जो कि जिनकी एक्टिव आई डी वन है, मतलब जिनकी एक्टिव हैं वो, उनको फाइंड करता हूँ, तो उस सूरत में हमें और वेयर भी लगा सकते हैं या फिर एंड वेयर भी। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एंड क्लॉज होता है अगर आप मल्टीपल वेयर्स लगाते हैं इस तरीके से। अगर आप और वेयर लगाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे और कैपिटल डब्ल्यू के साथ वेयर लिखेंगे
और फिर आप जब इस रिकॉर्ड को रिटर्न करेंगे तो इस केस में सेम रिटर्न होगा रिजल्ट। देखिए सेम रिजल्ट रिटर्न होगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे कि फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ, दो रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ जिसमें आईडी वन हो या उसका ईमेल कुछ और हो। अब मुझे नहीं पता कि हमारे पास कौन कौन से ईमेल्स सेव है। आई थिंक इसके लिए सबसे पहले हम इसको फाइंड ऑल कर लेते हैं, तो ताकि मुझे सॉरी यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। फाइंड ऑल कर लेते हैं ताकि मुझे कुछ ना रिकॉर्ड रिटर्न हो, तो मैं उनमें से कुछ ईमेल्स को चूज कर लेता हूँ। तो इसमें एक हम जो है वो यूज़ करेंगे यूज़र नेम एडमिन, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एडमिन को। तो यूज़र नेम एडमिन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एडमिन यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन। फिर उसके अलावा ईमेल इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये वाला ईमेल, तो ये ईमेल रिटर्न करेगा हमें। ईमेल इज़ इक्वल टू दिस ईमेल, और तीसरी जो चीज़ हम ले लेते हैं वो है आईडी। तो आईडी मैं 4 ले लेता हूँ, तो आईडी 4 कॉपी कर लेते हैं। सो आईडी इज इक्वल टू 4। अब देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि वेयर आईडी हो इक्वल टू 4, वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये वाली ईमेल, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस यूजर नेम एडमिन। तो मेरी अब क्यूरी क्या बनी कि सिलेक्ट आईडी यूजर नेम ईमेल क्रिएटेड एट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 4 एंड वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस वन एंड वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन। तो ये अब एंड के साथ बनी है, तो इस सूरत में हमें अब यहाँ पर नल रिटर्न मतलब एम्प्टी एरे रिटर्न होगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर जो होता है ये तमाम के तमाम ट्रू होंगे तो तभी रिकॉर्ड हमें रिटर्न होगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न। सॉरी मैंने यहाँ पर फाइंड नहीं लगाया, मुझे यहाँ पर अब फाइंड, क्योंकि आई नो कि मल्टीपल रिकॉर्ड होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर फाइंड का मेथड यूज़ किया। अब फाइंड ऑल और फाइंड में एक और डिफरेंस भी है कि आप जो फाइंड ऑल है उसमें खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं लिमिट और ऑफसेट। अब ये लिमिट और ऑफसेट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि फिर ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने हमें एरे रिटर्न किया लेकिन एम्प्टी एरे रिटर्न किया। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कोई ऐसा यूज़र नहीं है जिसकी ईमेल ये वाली हो, जिसकी आईडी ये हो, जिसका यूज़र नेम ये हो। एक यूज़र, मल्टीपल हैं लेकिन एक नहीं है। तो अब उस सूरत में हमने क्या करना है, उस सूरत में हम पहले लिखेंगे वेयर, फिर लिखेंगे और वेयर, फिर लिखेंगे और वेयर। अब ये हमारी जो क्यूरी बनी है ये बनी है सिलेक्ट आईडी यूजर नेम ईमेल क्रिएटेड एट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 4 और ईमेल इज इक्वल टू दिस वन और यूजर नेम इज इक्वल टू दिस वन। अब ये हमें तीन रिकॉर्ड रिजल्ट, तीन नहीं बल्कि दो रिकॉर्ड होंगे, दो नहीं होंगे बल्कि तीन होंगे, क्योंकि आईडी 4 अलग है, ईमेल अलग है और एडमिन अलग है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब हमें फाइंड मेथड जो है वो तीन रिकॉर्ड रिजल्ट जो है रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर उसने हमें 1 और 4 रिटर्न किया, ईमेल हमने कहीं उसी यूज़र का ईमेल तो यूज़ नहीं कर लिया, मुझे इसका आईडी चेंज करनी चाहिए। आईडी मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ, चेंज करता हूँ आईडी, क्योंकि 4 आईडी इसी यूज़र की है जिसकी मैं यूज़ कर रहा था ईमेल, सो इसलिए उसने हमें अब आप देख सकते हैं कि हमें उसने तीन रिकॉर्ड रिटर्न किए हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये और ऑपरेटर के साथ रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर है वो है लाइक। अब लाइक वेयर क्लास की तरह काम करता है, तो इसका मतलब है कि हम चाहें तो उसको वेयर क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लाइक। अब ये जो लाइक ऑपरेटर है ये तीन पैरामीटर आई थिंक इसके होते हैं लाइक, ये हमारे पास है, ये है। सबसे पहले हमें फील्ड प्रोवाइड करनी होती है, उसके बाद मैच प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद उसकी साइड बतानी होती है, और एस्केप और ये इनसेंसिटिव सर्च फॉल्स।
तो ये 5-6 इसके पैरामीटर्स हैं। अब ये क्या पैरामीटर है, यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फील्ड बेसिकली हम कॉलम नेम देंगे जिस फील्ड की बेस पर हमने लाइक ऑपरेटर करना है, फिर किस कीवर्ड को हमने मैच करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो दोनों साइडों को मैच करेगा और एस्केप कुछ भी नहीं करेगा, और इसके बाद जो है वो इनसेंसिटिव सर्च करेगा, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर को केयर नहीं करेगा। तो इट मींस अब मुझे सबसे पहले फील्ड देनी है, तो मैं फील्ड यहाँ पर देता हूँ ईमेल कॉमा और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेट, मतलब डॉट नेट है या नेट डॉट है, जो भी है जी, पूरे मतलब ईमेल के अंदर कहीं पर भी वर्ड नेट आ रहा है स्टार्ट और स्टैंड में एंड में, जो कोई भी हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो बोथ है। सो इट मीन एक उसका जो क्यूरी में परसेंट साइन एक इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको सेव करते हैं। अब मैं फाइंड मेथड, अब कितने रिकॉर्ड रिटर्न होंगे आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता डॉट नेट जो है या नेट वर्ड किस किस यूज़र के साथ है ईमेल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर डॉट नेट मौजूद है, तो यहाँ पर जिस जिसके साथ डॉट नेट मौजूद है उसने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न करिए और कर दिए, और ये अराउंड अबाउट 31 रिकॉर्ड इसने हमें रिटर्न किए हैं, सारे रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किए। इसका मतलब है सब के साथ डॉट नेट नहीं है, किसी के साथ देखिए ORG भी है, यहाँ पर ORG है, लेकिन फिर इसने ORG वाला क्यों शो किया, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं नेट मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर NET नेट मौजूद है। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में कुछ भी हो, एंड पर जिसके नेट हो वो वाला रिकॉर्ड शो करो। तो थर्ड पैरामीटर हम यहाँ पर पास करेंगे लेफ्ट, मतलब जो जो अब ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड पर परसेंटेज साइन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख देता हूँ। तो हमारे पास है लेफ्ट राइट एंड बोथ, बाय डिफ़ॉल्ट बोथ होता है। अब मैंने इसे कहा है लेफ़्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूरी में जो बाय डिफ़ॉल्ट ये बनी है, परसेंटेज साइन लेफ्ट पर भी है और राइट पर भी है, तो अब परसेंटेज साइन सिर्फ लेफ्ट पर होगा। तो अब हमें सिर्फ वो रिटर्न होंगे जिनके जो है लेफ्ट पर जो कुछ भी हो लेकिन राइट पर नेट हो। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए इस दफ़ा हमें कितने रिकॉर्ड रिटर्न होते हैं, तो 33 रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुए हैं। तो इसमें अगेन जो है वो हमें ORG वाला भी रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है, क्योंकि इसके यहाँ पर स्टार्ट में कुछ भी हो लेकिन इसके यहाँ पर नेट मौजूद है। सो इस तरीके से हम लेफ्ट, इसके बाद अगर मैं राइट लिखता हूँ, अब इसके परसेंटेज राइट पर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ है बाय डिफॉल्ट, तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो अब हमें अराउंड अबाउट 33 अगेन रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 33 रिटर्न हुए। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने अभी भी नेट के दोनों साइडों पर परसेंटेज जो है वो लिखा हुआ है, तो मैंने इसे कहा कि सिर्फ राइट पर हो, और यहाँ पर मैंने लाइक ऑपरेटर के साथ साइड इज इक्वल टू बोथ है, तो यहाँ पर रिटर्न दिस लाइक, और ये हमारे पास लाइक का फंक्शन है, तो लेट्स सी, एंड यहाँ पर वो साइड इज इक्वल टू बिफोर और आफ्टर है, लेफ्ट राइट नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर है, सॉरी। सो बिफोर जो है वो लेफ्ट साइड पर परसेंटेज साइन आएगा और आफ्टर जो है वो राइट साइड पर आएगा। तो अब हमारी जो क्यूरी है वो सही रन होगी, तो वो लेफ्ट राइट नहीं है, वो बिफोर और आफ्टर है। तो अब आप देख सकते हैं कि परसेंटेज साइन जो है वो स्टार्ट पर आ रहा है, उसके बाद नेट आ रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ हमें नेट वाला ही रिटर्न हो रहा है, कहीं पर ORG वाला तो नहीं है, नहीं है। तो ये है इस तरीके से, अगर मैं इसको बिफोर के बाद आफ्टर कर देता हूँ, आफ्टर करके इसको सेव किया, तो अब जो परसेंटेज साइन है वो नेट के राइट साइड पर लगेगा, मतलब स्टार्ट वो नेट से हो लेकिन उसके बाद कुछ भी हो। तो देखिए हमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जो नेट से स्टार्ट हो रहा हो,
ठीक है, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स में नेट या तो एंड पर है या मिडल में कहीं पर है। तो उसके बाद है यहाँ पर आई थिंक एक नन भी है। नन का मतलब है कि उसमें कुछ भी ना हो, मतलब सिंपल वो नेट को फाइंड करेगा कि जिसमें वर्ड कंप्लीट नेट लिखा हो, तो ऐसी सूरत में भी हमें वो एम्प्टी रिकॉर्ड ही रिटर्न करेगा। और जो क्यूरी बनेगी वो बनेगी वेयर ईमेल लाइक नेट, उसमें परसेंटेज साइन दोनों साइडों पर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम नन को, बोथ को जो डिफ़ॉल्ट है और इसके बाद बिफोर और आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास लाइक ऑपरेटर इनसाइड कोडिंग 94 और इसको हम फाइंड के मेथड के साथ, अब अगर हम फाइंड ऑल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बोथ को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर फाइंड ऑल कर देता हूँ, तो ये हमें फ़िलहाल सेम रिटर्न करेगा रिज़ल्ट। जो फाइंड के साथ रिटर्न होना था वही रिटर्न होगा फाइंड ऑल के साथ भी, देखिए कोई फ़र्क नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फ़र्क क्यों नहीं है। सो इसका फ़र्क इसलिए नहीं है कि फाइंड और फाइंड ऑल में जो मेजर डिफरेंस है वो इसके पैरामीटर्स हैं, फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। सो पहले हमें लिमिट देनी है, फिर उसके बाद ऑफसेट देना है। तो मैं लिमिट दे देता हूँ यहाँ पर 2, फाइंड ऑल 2। सो इसका मतलब है यहाँ पर हमें वो 2 रिकॉर्ड रिटर्न करें। तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब ये हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, लेकिन अब फाइंड सबको करेगा लेकिन उनमें से जो लिमिट होगी वो सिर्फ 2 की होगी, तो 2 रिकॉर्ड हमें रिटर्न होंगे। तो 3 करेंगे तो 3 रिकॉर्ड होंगे। और अगर आप ऑफसेट 1 दे देते हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रिकॉर्ड को स्किप कर देगा। अब ये जो 4 वाली आईडी है ये शो नहीं होगी बल्कि 5-4 उससे नेक्स्ट वाली शो होगी, क्योंकि उसने 4 को ऑफसेट कर दिया, 1 रिकॉर्ड को, फर्स्ट रिकॉर्ड को ऑफसेट कर दिया। सो 5 और 8 वाली शो हो रही है। सो इस तरीके से हम जो है वो क्यूरीज को रन कर सकते हैं इनसाइड कोडिग्नाइटर 4। तो इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, इसमें गेट वेयर भी हमने यूज़ किया था अगर आपको याद हो। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्ट मैक्स है कि किसकी वैल्यू मैक्स वैल्यू है, एज या कोई भी कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे तो वो उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा कि उसमें से मैक्स जो है सबसे इस तरह एवरेज है। तो बेशुमार फंक्शंस हैं। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, वहाँ पर वर्किंग विद डेटाबेसिस में जाएं और क्यूरी बिल्डर क्लास को एक दफ़ा गो थ्रू करें और उसके फंक्शंस को अपने समझ के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने क्यूरी बिल्डर क्लास को सीखा कैसे काम करते हैं। और इसके बाद हम 2-3 वीडियो में 40 पार्ट 40 तक इनको कवर करूंगा एज अ बिगनर। फिर उसके बाद हम फर्स्ट ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम विद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, और उसमें हम यूज़र रोल्स भी डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जॉइंस कैसे लगाने हैं। यहाँ पर अभी मैं जॉइंस के बारे में आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि फिर ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं उस जो ब्लॉगिंग सिस्टम है या जो आगे आने वाले 4-5 और वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं पार्ट 40 तक, उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत जॉइन के बारे में बता दूंगा किस तरीके से जॉइन लगाते हैं, इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो ये मैं आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक दो करके आपको बता दूंगा। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको क्यूरी बिल्डर क्लास के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।